अपेक्षा पूरी करते हैं खजराना गणेश, दूर दूर से लगती हैं अर्जियां। प्रथम आराध्य भगवान गणेश के देश भर में वैसे तो कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित खजराना गणेश मंदिर का भक्तों के बीच अलग स्थान है। खजराना गणेश की मूर्ति स्वयंभू है। इस मंदिर में दुनिया भर से भक्त आकर विघ्नहर्ता के सामने अपनी मन्नतों की अर्जी लगाते हैं। भगवान गणेश भी अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों की हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। खजराना गणेश की ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्मी कलाकारों और खिलाड़ियों से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक सभी खजराना गणेश में दर्शन कर बप्पा का आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां पर मनोकामना लेकर आने वाला कोई भी भक्त कभी निराश होकर नहीं लौटता। खजराना गणेश मंदिर का निर्माण साल 1735 में होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। मंदिर में स्थित प्राचीन सिद्धि विनायक प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले यह प्रतिमा स्थानीय पुजारी मंगल भट्ट को दिखी थी। उन्होंने इसकी जानकारी होलकर दरबार में दी, जिस पर माता अहिल्या ने पुजारी की बताई जगह पर खुदाई करवाई तो वहां सिद्धि विनायक के रूप में गणेश प्रतिमा का उदय हुआ। जब इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उठाने की कोशिश की गई तो ये हिली नहीं। इसके बाद एक बार फिर पुजारी मंगल भट्ट को बुलाया गया। उन्होंने जब प्रतिमा को हाथ लगाकर उठाया तो वह आसानी से उठ गई और उसके बाद मूर्ति की स्थापना हुई। इसकी जानकारी लगने पर माता अहिल्या ने खजराना गणेश मंदिर की जिम्मेदारी पूरी तरह से भट्ट परिवार को सौंप दी। खजराना गणेश मंदिर में रोजाना हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जो भक्त किसी कामना के साथ बप्पा के दरबार में पहुंचते हैं, वे यहां अपनी इच्छा उन्हें बताकर मंदिर की पीछे की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बना जाते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर आकर वे अपने उल्टे स्वास्तिक को सीधा करते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि खजराना गणेश की चौखट पर चढ़ने वाले हर व्यक्ति की सुनवाई होती है। उनकी माने तो बप्पा का चमत्कार ऐसा है कि यहाँ संतान प्राप्ति की कामना के साथ आए एक दंपति 37 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। सेलिब्रिटीज भी करने आते हैं दर्शन। खजराना गणेश मंदिर की ख्याति देश विदेश तक फैली हुई है। यही वजह है कि यहाँ अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुँचने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। बॉलीवुड कलाकार हो या क्रिकेट खिलाड़ी या किसी राजनीतिक दल का कोई बड़ा नेता, हर कोई बापा के दर्शन का आशीर्वाद मांगने आता है।